लिए हम एंटर बटन दबाकर वो अप डाउन कर सकते हैं सेट वैल्यू, ये टेम्परेचर है। और हमें अगर लेवल वन के पैरामीटर्स चेंज करने हैं तो डाउन की को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है। तो ये इनपुट हो गया है। इनपुट में हम जे टाइप का थर्मोकपल यूज़ कर सकते हैं, एंटर दबा के अप डाउन करके हम चेंज कर सकते हैं। के टाइप का थर्मोकपल हो गया, टी टाइप का थर्मोकपल हो गया, आर टाइप का थर्मोकपल हो गया, एस टाइप का थर्मोकपल हो गया, आर टी डी हो गया। तो अभी हमने जे टाइप का थर्मोकपल लगा रखा है और ये यूनिट है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ये यूनिट है और ये सेट लिमिट लो पॉइंट है, ये सेट पॉइंट हाई है। एफटीसी का मतलब है फिल्टर टाइम कांस्टेंट। ये अभी हमने 5 सेकंड कर रखा है, डिफ़ॉल्ट में ये 1 तक भी हम ले जा सकते हैं, 0.1 से 10 तक। तो अभी हमने 4 सेट कर दिया। ये एक्शन टाइम कंट्रोल है, इसको हम रिवर्स में और फॉरवर्ड में दोनों साइड चला सकते हैं। और ये अभी कंट्रोलर कौन सा यूज़ करना है, पीआईडी या ऑन ऑफ। ये वाइंड अप के लिए है, 20% अभी हमने सेट कर रखा है, ये डिफ़ॉल्ट 25% आता है वैसे। और ये रीसेट वैल्यूज़ हैं, इसको एन ओ नो कर लिया। अब हमें होम जाने के लिए कोई भी अप या डाउन की 3 सेकंड के लिए प्रेस करनी है, तो हम बाहर आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे। जैसे ये 23 डिग्री अभी थर्मोकपल का टेम्परेचर शो हो रहा है। अगर हमें अब लेवल 2 के पैरामीटर्स चेक करने हैं तो अप की को 3 सेकंड्स के लिए डाउन करेंगे। तो हमें ये ट्यूनिंग अभी हमने ऑफ कर रखी है, इसको हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। ये पी जो होता है, ये केपी यानी प्रोपोर्शनल टाइम है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो कि हम इसमें 0 से 100 तक सेट कर सकते हैं। अभी हमने 5 कर रखा है। और ये इंटीग्रल टाइम है जो 1.1 मिनट है, हम इसे 0.1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। और ये डेरिवेटिव टाइम है, ये अभी हमने 5 सेकंड कर रखा है, हम ये 0 से 99 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। अभी हमने 10 सेकंड कर दिया है। और ये साइकिल है, ये अभी मतलब अभी साइकिल को ऑटो या मैन यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम अभी ऑटो ही कर देते हैं। और ये साइकिल टाइम है, अभी 2 सेकंड कर रखा है हमने, इसे हम 0.1 सेकंड से 10 सेकंड्स तक के लिए, 15 सेकंड्स तक के लिए कर सकते हैं। और ये डिस्प्ले बायस है, अभी ये 0.0 कर रखा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, अब होम पे जाने के लिए कोई भी अप या डाउन की 3 सेकंड्स के लिए प्रेस कर सकते हैं हम। तो ये हम होम आ गए। और इसकी लॉक कर, इसके पैरामीटर्स लॉक करने के लिए अप और डाउन की को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो हम इसके लॉक पैरामीटर्स में चले जाएंगे। तो ये सेट पॉइंट को हम अभी अनलॉक है, इसको लॉक करने के लिए एंटर की दबा के, तो ये लॉक हो गया। अब दूसरा, और लेवल 1 के भी पैरामीटर्स को हम एंटर की करके अप करके लॉक कर सकते हैं, और लेवल 2 के पैरामीटर्स को भी अब हमने लॉक कर सकते हैं। तो जिससे कोई पैरामीटर्स को चेंज ना कर सके, सिमिलरली एंटर करके डाउन करके अनलॉक कर सकते हैं, जिससे पैरामीटर्स को वापस सेट करना हो। तो हमने अभी वापस सारे अनलॉक कर दिए हैं।